बी का वैल्यू 1। इक्वेशन है दोस्तों वो कौन से टाइप का है, यहाँ पे हमारे इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स, ये सम इससे अलग है, ये सम ऐसे सॉल्व होगा, ये सम ऐसे सॉल्व होगा, बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों प्रदीप गिरी अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए इनवर्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म में, और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, वो चीज भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा और स्टार्टिंग में ही सिखा दूंगा, देन इसके बाद आप बहुत आसानी से ये सब चीजें सॉल्व कर लोगे। साथ में हम यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है दोस्तों वो 12th से रिलेट कर रहा है, तो 12th की जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी स्टार्टिंग में ही मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो ये चीजें अगर आपको पता चल गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो आपको तीनों ही टाइप के सम के अंदर अगर डिफरेंस समझ में आ गया कि हाँ ये सम इससे अलग है, ये सम ऐसे सॉल्व होगा, ये सम ऐसे सॉल्व होगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 upon s minus a, s minus b, s minus c, तो यहाँ पे हमें एक आइडिया ये आ रहा है कि नीचे जो भी हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं तीनों ही एक दूसरे से कैसे हैं दोस्तों, अलग हैं। तो इस टाइप में अगर कभी भी क्वेश्चन रहा तो आपको क्या करना है दोस्तों, ए आपको क्या कंसिडर करना है दोस्तों, ए अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस बी एंड कैपिटल सी अपॉन एस माइनस सी, इस तरह से आपको चीजों को लेना है। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, बट यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर इनकेस क्वेश्चन इस तरह से है तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है दोस्तों, देखो a अपॉन s माइनस a तो आपको पता है, पर यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, एक जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हुआ है, 2 times, मे बी हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 times रिपीट हो। उस टाइम पे हम कैसे लिखेंगे दोस्तों वो आपको समझना है। देखो यहां पे ये 2 times रिपीट हो रहा है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एस माइनस बी, पहले यहां पे ये 1st time, देन यहां पे एस माइनस बी, यहां पे कितने टाइम, 2nd time। अब दोस्तों यहां पे आप क्या लिखोगे, ए हो गया, यहां पे क्या हो गया, बी हो गया, और यहां पे क्या हो गया, सी हो गया, तो सेम आपने ऐसे कर दिया। अब यहां पे इसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोस्तों यहां पे देखो एस माइनस ए है, बट यहां वाला टर्म, अंदर वाला टर्म आपको स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक जब भी होगा तो उस टाइम पे आपको दोस्तों क्या करना है, देखो पहला वाला तो सेम है, तो आप क्या करोगे, ए अपॉन एस माइनस ए लोगे। जब आप दूसरा वाला लोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या लोगे, देखो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस बी, ये जब आप लोगे उस टाइम पे ऊपर आपको क्या करना है, जब भी अगर आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे या तो स्टार्टिंग में ही क्वाड्रेटिक दिखाई दे तो उस टाइम पे दोस्तों आपको, जैसे आपने ए लिया है ना, यहाँ पे एक ही कांस्टेंट लिया, पर जब क्वाड्रेटिक दिखाई दे तो कितने कांस्टेंट लेने हैं, 2, मतलब यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा दोस्तों, बी, और बी के बाद क्या आएगा, सी, और पहले वाले के साथ हमेशा एस क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है एंड देन प्लस करना है। अगर ये क्वाड्रेटिक यहां दिखता तो हम यहाँ ए और बी लेते और ए के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देते, एस को। तो इस तरह से आपको सम को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। 3 types के क्वेश्चन इसके अंदर हैं और यही जनरली हर बार पूछे जाते हैं। अब देखो वन बाय वन हम तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ये लिखा है एंड समथिंग यहाँ पे दिया है 2s square minus 4, हमें ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है, पर अगर मैं नीचे देखूँ तो 3 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को मुझे कौन से मेथड से सॉल्व करना है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये तो पता है मुझे, देखो इससे इसका क्या करना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मैं क्वेश्चन मार्क किया, देन इसके बाद आपको क्या करना है, 2s square minus 4 अपॉन एस प्लस 1, एस माइनस 2 और एस माइनस 3। मुझे बताओ, ऊपर का मत देखो, मुझे बस ये बताओ कि ये कौन से टाइप का सम है, क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं है सर, क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नहीं सर, तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 में हम क्या करते हैं दोस्तों, ए अपॉन पहला वाला एस प्लस 1, देन बी अपॉन दूसरा वाला एस माइनस 2 एंड देन सी अपॉन तीसरा वाला एस माइनस 3। तो देखो हमने सब कुछ ले लिया, एस प्लस 1, एस माइनस 2, एस माइनस 3, सम का स्टार्टिंग हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों जैसे ही ये स्टार्टिंग अगर आपको समझ में आ गया तो इसे आपको इक्वेशन नंबर 1st कंसिडर कर लेना है। देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको अगर आप ये तीनों का एलसीएम निकालोगे तो दोस्तों ये बाजू वाला ही आपको मिलेगा, तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख दो एस प्लस 1, एस माइनस 2 एंड एस माइनस 3। और यहां पे देखो मैं ए लिख रहा हूं, एलसीएम में क्या होता है पता है, एस प्लस 1 है ना, तो एस प्लस 1 के अलावा नीचे क्या और एक्स्ट्रा है, ये 2 extra है, तो जो 2 extra है वो आपको लिखना है, एस माइनस 2 और एस माइनस 3। अब दोस्तों यहां पे क्या है, प्लस बी है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे
तो बी एस माइनस टू है, अब यहाँ पे एस माइनस टू है, तो एस माइनस टू के अलावा क्या है, एस प्लस वन और एस माइनस थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस प्लस वन और एस माइनस थ्री। एंड यहाँ पे दोस्तों फिर से अगर यहाँ पे देखोगे सी है, तो यहाँ पे एस माइनस थ्री है, एस माइनस थ्री के अलावा क्या बचा दोस्तों, एस प्लस वन और एस माइनस टू। तो ओवरऑल जो जो चीज़ें हैं हमने सब कुछ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू एस स्क्वायर अपॉन फोर एस प्लस वन एस माइनस टू एस माइनस थ्री। एक बार अगर आप लॉजिक सीख जाओगे, देखो ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, टू एस स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू ये ए है। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एस इंटू एस एस स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन सही करना, एस इंटू थ्री थ्री एस प्लस माइनस माइनस, टू इंटू एस टू एस माइनस प्लस माइनस, टू इंटू थ्री सिक्स माइनस माइनस प्लस। तो हमने कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको बी, बहुत ही आराम से करना, क्योंकि यही मल्टीप्लीकेशन अगर यहाँ पे अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो आगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो एस इंटू एस एस स्क्वायर एस इंटू थ्री थ्री एस वन इंटू एस वन एस और बाद में फिर इसके बाद वन इंटू थ्री थ्री प्लस माइनस माइनस। देन दोस्तों इसके बाद कैपिटल सी एस इंटू एस एस स्क्वायर एस इंटू टू टू एस वन इंटू एस एस एंड देन इसके बाद वन इंटू टू टू। फाइनली हमने सब कुछ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, देखो ये ए है यहाँ पे, ये देखो एस स्क्वायर है, ये दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस फाइव एस आएगा प्लस सिक्स। एंड दोस्तों यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे क्या आएगा एस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे हमें टू एस मिलेगा एंड माइनस थ्री। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है प्लस सी, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, मतलब हमें क्या मिलेगा माइनस एस। आप कैलसी में भी सॉल्व कर सकते हो माइनस टू। अब ये सॉल्व होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए एस स्क्वायर फाइव ए एस प्लस सिक्स ए। यहाँ पे क्या आएगा बी एस स्क्वायर टू बी एस और थ्री बी। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा सी एस स्क्वायर सी एस और यहाँ पे टू सी। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये हमेशा ये सीक्वेंस हर एक क्वेश्चन में सेम होगा, आपको एस स्क्वायर वाले टर्म को साथ में लिखना है। अब देखो यहाँ पे ए है, देन यहाँ पे क्या है बी है प्लस बी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों प्लस सी है, और सभी के बाहर मैं क्या लिख दे रहा हूँ एस स्क्वायर। सेम अब देखो मैं प्लस ले रहा हूँ, प्लस आप लेके अब एस वाले टर्म, यहाँ पे एस के आगे क्या है माइनस फाइव, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस फाइव। यहाँ पे एस के आगे क्या है दोस्तों माइनस टू बी, और यहाँ पे अगर आप एस के आगे देखोगे तो क्या है दोस्तों माइनस सी, और यहाँ पे एस आए। देन इसके बाद दोस्तों फिर से प्लस, देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉन्स्टेंट टर्म लिखना है तो हमें क्या आएगा सिक्स ए। देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस थ्री बी, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है दोस्तों माइनस टू सी। तो हमने सभी कॉन्स्टेंट टर्म को लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों टू एस स्क्वायर माइनस फोर। अभी हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज को लिखने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से अच्छे से आपको चीज़ों को समझना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो एस स्क्वायर के आगे जो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय इक्वालिटी। अब यहाँ पे एस स्क्वायर के आगे क्या है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों एस स्क्वायर के आगे यहाँ पे क्या है दोस्तों टू, यहाँ पे एस के आगे क्या है दोस्तों माइनस फाइव ए माइनस टू बी माइनस सी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इक्वल टू देखो माइनस फाइव माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एस वाला टर्म है क्या देख लो, नहीं है, तो इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा जीरो। देन इसके बाद लास्ट वाला क्या है दोस्तों सिक्स ए माइनस थ्री बी माइनस टू सी इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस फोर, प्लीज कोई फोर नहीं लिखेगा। अब मुझे क्या करना है, कैलसी में इसे सॉल्व करना है, तो कैलसी भी मैं लेकर आया हूँ। ये देखो अभी मेरे पास जो कैलसी है वो पुराना कैलसी है, अभी नए कैलसी का वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो, और बाकी सभी कैलसी के लगभग फंक्शन लगभग सेम होते हैं। अब ये कैलसी से इसे सॉल्व करना है, तो आप कैलसी में ऑन करो पहले कैलसी को, ऑन करने के बाद आपको कैलसी में मॉड पे जाना है, मॉड पे जाने के बाद आपको वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा, क्योंकि ये इक्वेशन टाइप की चीज़ है तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब वहाँ पे ये वाले कैलसी में ये फाइव नंबर पे है, तो मैं फाइव क्लिक किया, जैसे ही मैं फाइव क्लिक करूँगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा ए एन एक्स
प्लस डी एन वाई इक्वल टू यहाँ पे सी, और देन इसके बाद यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे ए एन एक्स प्लस बी एन वाई प्लस सी एन जेड इक्वल टू डी, ऐसा मुझे यहाँ वन दिखाई दे रहा है, ऐसा टू। अब हमें देखना है कि हमारा जो इक्वेशन है दोस्तों वो कौन से टाइप का है, यहाँ पे हमारे इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, तो देखो ए बी सी मतलब थ्री वेरिएबल्स हैं, तो दोस्तों थ्री वेरिएबल्स वाला ए बी सी ये वाला कुछ, तो यहाँ पे हमें समझ में आएगी ये जो है हमारा देखो x y z मतलब थ्री वेरिएबल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें समझ में आएगी ये हमारा सेकेंड वाला, हमें क्या करना है सेकेंड वाले चीज़ों को लेना। तो जैसे मैं सेकेंड क्लिक करूँगा तो ऐसा मुझे एक मैट्राइसिस की तरह कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है और यहाँ पे थ्री है, और यहाँ पे जीरो जीरो सभी वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, मैं वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे देखो मैं वैल्यू क्या पुट करूँगा दोस्तों वन, तो मैंने यहाँ पे वन पुट कर दिया। अब वन पुट करने के बाद यहाँ पे क्या पुट करूँगा दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने वन पुट कर दिया। अब ये पुट करने का सी का वैल्यू हमें पुट करना है, सी का वैल्यू सी के आगे कुछ नहीं, यहाँ पे भी हमने वन पुट कर दिया, और फाइनली डी का वैल्यू हम क्या लेंगे टू, तो यहाँ पे वन वन वन, इस तरह से आपने वैल्यूज कैलसी के अंदर पुट कर दिया। देन सेकेंड वैल्यूज में आप क्या पुट करोगे, माइनस फाइव माइनस टू माइनस वन एंड जीरो, तो ये सब वैल्यूज हमने पुट कर दिया। देन थर्ड में आप क्या पुट करोगे, सिक्स माइनस टू एंड माइनस फोर, तो इस तरह से आपने सभी वैल्यूज को लिख दिया। आई थिंक यहाँ पे माइनस थ्री आएगा, देखो यहाँ पे माइनस थ्री है, तो यहाँ पे माइनस थ्री और यहाँ पे भी माइनस थ्री। अब इस तरह के अगर आप वैल्यूज़ को पुट करते हो तो देखो, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर, मतलब इक्वल टू पे क्लिक कर देना है। इक्वल टू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको कैलसी में एक्स इक्वल टू मिला है, पर एक्स हमारा यहाँ पे क्या ए है, तो ए इक्वल टू हमें क्या मिल गया, माइनस वन बाय सिक्स। बी इक्वल टू हमें क्या मिल गया दोस्तों, फिर से एक बार देखो इक्वल को फिर से क्लिक करोगे बी मिल जाएगा, माइनस फोर बाय थ्री। एंड सी इक्वल टू सेवन बाय टू। तो इस तरह से हमें तीनों ही वैल्यूज़ मिल गए। अब तीनों वैल्यूज़ मिलने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा वैल्यू हमें इसके अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो देखो मैं ये स्टेप नंबर वन को फिर से रिपीट लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा, क्या है 2s स्क्वायर माइनस फोर, 2s स्क्वायर माइनस फोर, और नीचे क्या है दोस्तों वो भी हमें देखना होगा, नीचे क्या है दोस्तों s माइनस s प्लस वन s माइनस टू s माइनस थ्री, s प्लस वन s माइनस टू s माइनस थ्री। थोड़ा सा समलेंथी होगा पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, इवन मैंने कैलसी भी इसलिए आपको बताया कि नहीं तो पता चला आपको कैलसी ही यूज करने ना आ रहा हूँ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये सेम है, a b c के मैं वैल्यूज पुट करूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे a b c के वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, a का वैल्यू मुझे पता चल गया, a का वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस वन बाय सिक्स, और यहाँ पे s प्लस वन था। b का वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस फोर बाय थ्री, यहाँ पे क्या था s माइनस टू। एंड सी का वैल्यू क्या था दोस्तों सेवन बाय टू, और यहाँ पे क्या था एस माइनस थ्री। तो इस तरह से हमने ये पूरे वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पे इसका आंसर निकाल दिया। हमें किसका आंसर निकालना है दोस्तों, लैपलास ऑफ ये, लैपलास इनवर्स ऑफ हमें ये निकालना है। देखो मैं लिख रहा हूँ लैपलास इनवर्स ऑफ टू एस स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एस प्लस वन एस माइनस टू एस माइनस थ्री, हमें ये आंसर निकालना है। बट इसका आंसर मतलब ये इक्वल टू हमने ये निकाला, तो देखो मैं अब इसे कैसे लिखता हूँ, लैपलास इनवर्स ऑफ ये पूरे के जगह पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस वन बाय सिक्स अपॉन एस प्लस वन प्लस माइनस फोर बाय थ्री अपॉन एस माइनस टू प्लस सेवन बाय टू एस माइनस थ्री। अब बस हमें क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर देना, हमारा लैपलास का आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको पता है कि माइनस वन बाय सिक्स कॉन्स्टेंट हमें बाहर आ जाएगा, और वन अपॉन यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो देखो मैं फिर भी आपको इजी लगे इसलिए इसे ऐसे लिखता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप देखोगे प्लस माइनस माइनस और फोर बाय थ्री बाहर आ जाएगा, एंड लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस टू, देन यहाँ पे भी सेवन बाय टू बाहर आ जाएगा, लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस थ्री। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने मेरे चीज़ों को पहले से लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा फर्स्ट लेक्चर को, तो आपको पता है कभी भी नीचे s प्लस वन नहीं होना चाहिए, नीचे s होना चाहिए। और जब भी अगर ऐसा आता है तो हम शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके मैं क्या करूँगा, इसे e रेज टू यहाँ पे जो भी टर्म है उसका उल्टा, प्लस वन का उल्टा क्या माइनस वन, और उसको t से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे फाइनली लैपलास इनवर्स ऑफ क्या हो गया वन अपॉन एस। देन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर बाय थ्री है, और ये देखो यहाँ पे e रेस टू माइनस टू का उल्टा क्या आएगा प्लस टू टी, और लैपलास इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा वन अपॉन एस,
और यहाँ पे दोस्तों 7/2 लैपलास इनवर्स ऑफ ई रेस टू, पहले लिखना होगा ई रेस टू प्लस नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 3t एंड लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s। अब अगर मैं ओवरऑल चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों मुझे दिखाई देगा यहाँ पे क्या है, -1/6 ई रेस टू माइनस टी, और लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s का आंसर क्या आता है दोस्तों, सभी को पता है, प्लीज़ मुझे अगर बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई बता सकता है मुझे लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, 1, देन यहाँ पे -4/3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू 2t, लैपलास इनवर्स यहाँ पे भी 1, एंड दोस्तों यहाँ पे 7/2 है ई रेस टू 3t, लैपलास इनवर्स 1, तो फाइनली -1/6 ई रेस टू -3, -4/3 ई रेस टू 2t, 7/2 ई रेस टू 3t, दिस इज फाइनल आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे सब चीज़ें सॉल्व हो गई, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखो सबसे पहला स्टेप सेम है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5s² 15s - 11 / s + 1 s - 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा जब फाइव वाले क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा, और मोस्टली ये लोग फाइव वाले क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं कि आप कन्फ्यूज होके गड़बड़ कर दो। फाइव और एस सेम ही दिखाई देता है तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हैं। देखो हम इसे ए लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा s + 1, और यहाँ पे दोस्तों आपको पता है देखो s - 2 का होल स्क्वायर है, मतलब दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों s - 2, ये 1 टाइम, देन यहाँ पे सी s - 2 कितने टाइम दोस्तों, 2 टाइम। तो इस तरह से ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले स्टार्टिंग में ही आपको चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते टाइम देखो मैं यहाँ पे एलसीएम, ये सभी का एलसीएम यही रहता है, तो डायरेक्ट यही सेम टू सेम छाप दो s - 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मैंने a लिखा, अब दोस्तों यहाँ पे दो टर्म कौन से आएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे s + 1 है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, s + 1 है, ये नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या s - 2 का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो प्लस बी, बी के नीचे अगर आप देखोगे तो s - 2 1 टाइम है, यहाँ पे s - 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो ये s - 2 1 टाइम है, तो पहले s + 1 नहीं है तो वो लिख रहा हूँ, और दोस्तों s - 2 यहाँ पे 2 टाइम है पर यहाँ पे 1 टाइम ही है, तो यहाँ पे s - 2 1 टाइम लिखना होगा। 1 टाइम मतलब देखो यहाँ पे 1 टाइम है, मतलब यहाँ पे कितना, 2 टाइम है, 1 टाइम एक्स्ट्रा है, तो इसलिए 1 टाइम हमें लिखना होगा बैलेंस करने के लिए। देन यहाँ पे आपको सी है, अब देखो यहाँ पे s - 2 स्क्वायर, मतलब ये ऑलरेडी वहाँ पे है 2 टाइम, तो यहाँ पे भी 2 टाइम है, तो कुछ लिखना नहीं है, बस s + 1 लिखना है, s + 1। तो देखो ये वाला क्वेश्चन में बस यही स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बाकी जैसे हमने पहले सॉल्व किया उसी की तरह जाएगा। अब देखो यहाँ पे s + 1 s - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर आएगा, a² - 2ab, 2ab। अब देखो मैं 2ab का आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2a मेरा s है, b मेरा 2 है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4s और प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस यहाँ पे b है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो s into s, s² देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे s into 2, 2s और 1 into s, s and 1 into 2, 2 - 2, और फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एक स्टेप थोड़ा बचाने के लिए मैं ये दोनों का कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखना। देखो वहाँ पे क्या था, -2s और प्लस s था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे -s लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, ध्यान रखना। देखो s into s, s² s into 2 - 2s और 1 into s + s, और उसी को मैंने कैलकुलेट करके -s लिख दिया, और 1 into 2 - 2, देन यहाँ पे दोस्तों ये c है, s + 1। अब देखो इसके नीचे अगर आप देखोगे ये सेम टू सेम टर्म इसके नीचे आएगा, 5s² - 15 - 15s - 11 / s + 1 s - 2 का स्क्वायर, पूरा का पूरा टर्म जैसा पहले हमने कैंसिल किया था वैसे ही पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5s² - 15s - 11
और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब जस्ट ए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए एस स्क्वायर माइनस फोर ए एस प्लस फोर ए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, बी एस स्क्वायर माइनस बी एस और यहाँ पे माइनस टू बी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी एस और यहाँ पे प्लस सी। अगर आप सभी को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, फाइव एस स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एस माइनस इलेवन। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए प्लस बी और एस स्क्वायर बाहर। देन दोस्तों अब एस वाले टर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ से क्या आएगा माइनस फोर है, और एस वाला टर्म यहाँ पे है, यहाँ से क्या आएगा माइनस बी, और यहाँ पे एस वाला टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी और एस बाहर। अब कॉन्स्टेंट टर्म लिख रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा फोर है, देखो लिखते जाओ मार्किंग करते जाओ तो याद रहेगा, माइनस टू बी और प्लस सी, ये भी हो गया। अभी देखो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, बाय इक्वालिटी करना है। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पीछे की तरह हो गया, मैंने बोला ना स्टार्टिंग का स्टेप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वालिटी करूँ तो a प्लस बी जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी, एस स्क्वायर के आगे क्या है फाइव, देन इसके बाद माइनस फोर है माइनस बी प्लस सी, ये जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा दोस्तों, माइनस फिफ्टीन को, और दोस्तों इसके बाद फोर ए माइनस टू बी प्लस सी जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, माइनस इलेवन को। जस्ट कैलसी के अंदर मैं वैल्यूज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी वैल्यूज़ को कैलसी के अंदर सॉल्व करो, और कैलसी के अंदर सॉल्व करने के बाद चेक करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फाइव टू। फिर से ये थ्री वेरिएबल्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी मतलब तीसरा वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो नीचे तो दिख रहा है ना, तो थ्री वेरिएबल में ही जाना है। स्टार्टिंग में ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू दोस्तों जीरो क्योंकि स्टार्टिंग में सी नहीं है, और डी का वैल्यू कितना आएगा फाइव, देन माइनस फोर, देन दोस्तों माइनस वन, देन दोस्तों प्लस वन एंड माइनस फिफ्टीन, एंड दोस्तों फोर माइनस टू वन माइनस इलेवन। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो मेरा एक्स का जो आंसर आया, एक्स मतलब यहाँ पे ए का जो आंसर आया वन, बी का जो आंसर आया दोस्तों फोर, और सी का जो आंसर आया दोस्तों माइनस सेवन, जो भी हमें आंसर मिला होगा। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे लैपलास इनवर्स ऑफ जो भी फाइंड आउट करना है, देखो मुझे लैपलास इनवर्स ऑफ क्या फाइंड आउट करना है वो मैं देख लूँ, यहाँ पे शायद लिखा हुआ है यही वाला है, सेम टू सेम है शायद। हाँ तो ये मुझे लैपलास इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से देख के लिख ले रहा हूँ। मुझे लैपलास इनवर्स ऑफ क्या चाहिए दोस्तों, फाइव एस स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एस माइनस इलेवन अपॉन एस प्लस वन, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एस माइनस टू का होल स्क्वायर। फाइनली मैंने इसे ए बी के टर्म में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे देखो अब लैपलास इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का जो भी वैल्यू होगा और यहाँ पे जो भी बी का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को लिखना है। अब यहाँ पे हाँ सी का वैल्यू भी है, तो प्लस यहाँ पे सी का वैल्यू भी है, तो आपको पता है कि हमने जब लिया था तो इसके नीचे हमने क्या लिया दोस्तों, एस प्लस वन, इसके नीचे हमने क्या लिया, एस माइनस टू रेस टू वन, मतलब सेम ही होगा, और यहाँ पे क्या एस माइनस टू रेस टू, यहाँ पे क्या टू है, और यहाँ पे ए है, ये देखो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग के जो इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेना। अब यहाँ पे ए का जो वैल्यू है दोस्तों वो मेरा क्या है, ए का वैल्यू है मेरा वन, बी का वैल्यू क्या है फोर, और सी का वैल्यू क्या है माइनस सेवन। ध्यान से अच्छे से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जब आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे लैपलास, देखो ये वन का तो कुछ मतलब नहीं है, तो लैपलास इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस प्लस वन, इसका तो फॉर्मूला है अपने पास, फोर बाहर आ जाएगा, लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस टू फॉर्मूला है, माइनस सेवन बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस टू का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एस माइनस टू का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अपने पास दोस्तों डायरेक्ट नहीं है, एस माइनस हाँ एस स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर होता तो हम लिख सकते थे। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये लैपलास इनवर्स ऑफ ये ऐसे ही है, यहाँ पे भी मैं सेम अभी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस ला रहा हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से माइनस टू का यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस टू टी, और ये लैपलास इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा वन अपॉन, इसके बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, और ये स्क्वायर फॉर्म में चले जाएगा। अब मेरे पास वन अपॉन एस रेस टू एन का फॉर्मूला है दोस्तों, आपको पता होगा टी एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला सभी को पता है, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है।
तो इस फॉर्मूले से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस वन है तो माइनस टी, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों फोर ई रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा देखो यहाँ माइनस टू है तो माइनस टू का क्या प्लस टू टी, देन यहाँ पे माइनस सेवन ई रेस टू टू टी ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टी रेस टू एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन वन, और टू माइनस वन का फैक्टोरियल मतलब वन फैक्टोरियल मतलब वन ही होगा। तो फाइनली अपना ये आंसर आ गया और ये अपना दोस्तों फाइनल आंसर है। अब बस हमें लास्ट टाइप एक सॉल्व करना है, पेशेंस बनाए रखो, डरना नहीं है और बोर नहीं होना है। देखो आए हम यहाँ पढ़ने के लिए तो एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, तो इसलिए मार्क्स भी अगर अच्छे नहीं आएंगे सब्जेक्ट में केटी आ जाएगा तो आगे कैसे जाएंगे। तो इसलिए बस अब आगे का एक और क्वेश्चन है, हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बोलोगे नहीं वो देख लिया दो क्वेश्चन हो गया, तीसरा देख लोगे तो पूरा टॉपिक हो जाएगा। देन इसके बाद इस टॉपिक पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि दो वीडियोस और मेरे आएंगे, तो चार वीडियोस में पूरा का पूरा लेसन हो गया आपका, ये यूनिट पूरा का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारे आज के लेक्चर का और इस टॉपिक का ये लास्ट टाइप है, और अगर आपने ये टाइप सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे वही करना है, लेट फाइ एस स्क्वायर प्लस एट एस माइनस वन अपॉन एस प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या है एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा ए अपॉन एस प्लस थ्री, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए अपॉन एस प्लस थ्री है, यहाँ पे बी अपॉन, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे दोस्तों जो स्क्वायर है दोस्तों बाहर नहीं है अंदर है, मतलब एक क्वाड्रेटिक है, तो आपको पता है कि इस टाइम पे हमें क्या करना है, दो कांस्टेंट लेना है बी और सी, और इसके साथ एस लेना है प्लस, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस वन। सब कुछ मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो मैं आपको स्किप करके दे रहा हूँ, सब बता दे रहा हूँ, ये थर्ड टाइप भी सॉल्व करा दे रहा हूँ। अब दोस्तों आपको पता है यहाँ पे नीचे एलसीएम तो सेम आएगा एस प्लस थ्री और एस स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे भी मैं सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी कर लूँ, फाइव एस स्क्वायर प्लस एट एस माइनस वन एस प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे दोस्तों ए है, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा दोस्तों ये वाला टर्म एस स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे क्या है दोस्तों बी एस प्लस सी है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा दोस्तों एस प्लस थ्री। अब यहाँ पे ये होने के बाद ये देखो ये दोनों टर्म हमेशा सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, फाइव एस स्क्वायर प्लस एट एस माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों देखो ए इंटू एस ए एस स्क्वायर इंटू ए, अब देखो यहाँ बी एस को अगर एस से मल्टीप्लाई करूँ तो बी एस स्क्वायर, देन बी एस को अगर थ्री से करूँ तो थ्री बी एस, और बाद में सी को एस से करूँ तो यहाँ सी एस, और सी को अगर मैं थ्री से करूँ तो यहाँ पे थ्री सी। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म साथ में ले ले रहा हूँ, ए प्लस बी और स्क्वायर, मतलब ये दो टर्म हो गए। अब ये दो टर्म होने के बाद दोस्तों आपको एस वाले टर्म लेना है, अब देखो यहाँ मैं प्लस ले रहा हूँ, यहाँ पे 3b है एक s के साथ, और यहाँ पे c है दूसरे s के साथ, और फाइनली यहाँ पे s बाहर आ गया। अब फाइनली लास्ट में कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे प्लस a, यहाँ पे प्लस a, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस c। तो लगभग हमने इस तरह से, आप भी मार्किंग करके हल्का सा मार्किंग करना, ज़्यादा नहीं, छोटा पेंसिल से आप कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे आपको ये पता चल गया, यहाँ पे क्या है दोस्तों फाइव स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एट एस, और यहाँ पे माइनस वन। अब यहाँ पे क्या है ए प्लस बी विच इज इक्वल टू फाइव, थ्री बी प्लस सी विच इज इक्वल टू एट, एंड ए प्लस थ्री सी इक्वल टू माइनस वन। देखो ए प्लस बी इक्वल टू फाइव, थ्री बी प्लस सी इक्वल टू एट, बाद में ए प्लस थ्री सी इक्वल टू माइनस वन। अब हमें फिर से इसे अपने कैलसी के अंदर सॉल्व करना है, वही सेम हमें कैलसी के अंदर वैल्यूज लेने हैं। देखो फिर से मैं अपने कैलसी को ऑन करके फाइव पे जा रहा हूँ और टू पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू भी वन है, सी का वैल्यू जीरो है, और डी का वैल्यू फाइव है। सेकेंड रो में ए का वैल्यू जीरो है, बी का वैल्यू थ्री है, सी का वैल्यू वन है, और डी का वैल्यू एट है। थर्ड में ए का वैल्यू कितना है वन है, बी का वैल्यू जीरो है, सी का वैल्यू थ्री है, और डी का वैल्यू माइनस वन है। थोड़ा सा आराम से एक बार ये पूरा करने के बाद एक बार चेक भी कर लेना कि तुमने पुटिंग सही किया है क्या। तो हमें फाइनली यहाँ से ए का वैल्यू टू मिल रहा है, बी का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों वाई यहाँ पे थ्री है, और सी का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों माइनस वन। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें सभी वैल्यूज़ मिल गए। अब सभी वैल्यूज़ मिलने के बाद ये वाला सब मैं चारों की बाजू में ही सॉल्व करूँ,
देखो जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्व होता है, उल्टा फर्स्ट वाले में बहुत लंबा टाइम लग गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मुझे लैपलास इनवर्स ऑफ जो भी निकालना है, लैपलास इनवर्स ऑफ क्या निकालना था दोस्तों, फाइ एस स्क्वायर प्लस 8s-1 अपॉन s+3 और s स्क्वायर प्लस 1, ये हमें निकालना है। इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसी का मतलब ये है, तो इनडायरेक्टली हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे a का हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, 2, तो यहाँ पे 2 अपॉन s+3 है प्लस यहाँ पे दोस्तों b, b का वैल्यू कितना है 3 है, साथ में s आएगा, और प्लस c का वैल्यू क्या है दोस्तों -1 और अपॉन s² + 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक रिवीजन टाइप में मिल जाएगा। ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में समझाया है, मतलब इसके पहले वाले वीडियोस में। अब यहाँ पे लैपलास इनवर्स ऑफ, ये देखो ये 2 अपॉन s+3 हो गया, जिसके अंदर से 2 भी आप बाहर ले लो, एंड यहाँ पे ये लैपलास इनवर्स ऑफ 3s ± s² + 1, ये भी हो गया आपका। अब दोस्तों आपको पता है यहाँ पे देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s+3, देन लैपलास इनवर्स ऑफ ये दो पार्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3s अपॉन s² + 1। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, और यहाँ पे प्लस लैपलास इनवर्स ऑफ -1 अपॉन s² + 1। अब दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s+3, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, इसका 3 बाहर ले लो, लैपलास इनवर्स ऑफ s अपॉन s² + 1, और इसका -1 बाहर ले लो, तो -1 बाहर आके लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s² + 1। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या 2 है, अब 1 अपॉन s+3 अगर मैं इसका आंसर निकालने जाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, e^-3t, यहाँ 3 है, ऊपर s है, s आया तुरंत समझ जाना है cos का फॉर्मूला है, और cos at मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 है, तो डायरेक्ट मैं t लिख दे रहा हूँ, एंड -1 यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे ऊपर कुछ नहीं है 1 है, तो समझ जाना ये साइन का फॉर्मूला है, और साइन के फॉर्मूले में हम क्या लेते हैं 1 अपॉन a, a का वैल्यू तो 1 ही है दोस्तों, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन at भी 1 है, तो फाइनली ये हमारा आंसर है। आप चाहिए तो यहाँ पे 1 लिख लो तो हो गया। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है बहुत ही शानदार लेक्चर हुआ, हमने सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक सॉल्व कर लिया, ये 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में बहुत एक्सपर्ट बना देंगे, और इस टॉपिक में एक आसम आपको दिखाई देगा, वो मैं आगे के टॉपिक में जब आपको नेक्स्ट इसके बाद थ्योरम कराऊंगा तो उससे रिलेटेड वहाँ थ्योरम में बता दूंगा कि जो बचे हुए क्वेश्चन आपको किससे सॉल्व करना है। तो बाकी ये 3 क्वेश्चन तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, और घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।